हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। टुडे वी शैल कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की जो कड़ी है, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज की क्लास हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए हम लोग इसको आरंभ करते, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि द इंग्लिश वॉन्टेड टू क्वेल द राइजिंग नेशनलिज्म इंडिया बाई हुक एंड बाई क्रूक। जो अंग्रेजी सरकार है, वो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के किसी भी प्रकार से छल बल जो भी हो सकता था, उससे उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ने के बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के उन्होंने उपाय करने शुरू कर दिए। बट माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, आप जितना सोचते हो, अगर वही सब जिंदगी में हो जाए, तो फिर दुख किस बात का, दर्द किस बात का, पीड़ा किस बात की, कुंठा किस बात का, जितना सोचो उतना सब कुछ नहीं होता। और मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि भारत में जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, डे पर डे नेशनलिज्म एम्प्लीफाइड इन इंडिया, भारत में दिन प्रतिदिन जो है राष्ट्रवाद अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाता चला गया। और यही कारण है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया, तो उसके प्रेम्बल या प्रस्तावना में पहली बार अंग्रेजों ने एक बात लिखी कि आवर मेजेस्टी गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जो महामहिम की सरकार है, उस महामहिम की सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि वह भारतीयों की सहभागिता को प्रशासन में बढ़ाए। एंड फर्दर मोर, उस प्रैम्बल में यह भी लिखा गया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो यह होगा कि सो दैट इंडियन कुड बी ट्रेन फॉर द सेल्फ रूल, भारतीयों को सुशासन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। और यही नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 में उन्होंने भी रख दिया कि हम 10 वर्ष के अंदर जो व्यवस्था बना के लेके आए हैं, जो संविधान भारत के लिए हमने बनाया है, उसकी हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, जो 10 साल के आता, उसके पहले ही भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों के कारण से भारत में राष्ट्रवाद ने इस प्रकार से अंग्रेजों को हिलाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई, अब जल्दी से जल्दी इसका मूल्यांकन किया जाए, नए नियम लाए जाए, भारतीयों के जो जनमानस है उसको किसी भी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की जाए। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसके प्रावधानों की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया, उस 1935 के बनाने में किन किन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया गया है, तो हम लोग यहां पर जो अभी बात करने जा रहे हैं, या इस बात का यही मतलब होगा। तो देखो, उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन गठन किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। और जब यह भारत में आया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब यह भारत में आया, तो भारत में आने के बाद इसने जो है भारतीयों के साथ में विचार विमर्श करना शुरू किए। हालांकि भारत में उसका कोई स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सारे के सारे 7 लोग थे, सभी के सभी लोग अंग्रेज थे। और भारतीयों ने कहा कि आप कैसी बातें करते हो, कि चोर यह अपनी जांच खुद करे कि मैंने चोरी की कि नहीं की, भारतीयों को इसमें शामिल करना चाहिए था, तब होता दूध का दूध, पानी का पानी। भारतीयों ने उसको सिरे से नकार दिया। लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बना करके वह जून 1930 में भारत वापस चली गई। लेकिन इन बिटवीन बताना चाहूंगा, इसी बीच में भारत सचिव बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि अगर आप में इतनी क्षमता है, तो आप मुझे कोई ऐसा प्रावधान लाकर दिखाओ, कोई ऐसी व्यवस्था बनाकर दिखाओ जो भारत के सभी दलों के लिए, सभी दलों को मान्य हो। उस समय मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1927 का, तो वहां पर एम ए अंसारी उसके अध्यक्ष थे। एम ए अंसारी के अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें यह निर्णय किया कि सभी दलों को मिला करके एक कमेटी बनाई जाए। तो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उस कमेटी ने भारत के लिए एक, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के लिए उन्होंने
आगे कैसे सरकार चलेगी, मतलब संविधान का निर्माण किया जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो उस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीयों को फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार दिए जाए, भारत में एक उत्तरदायी सरकार गठन किया जाए, केंद्र में जो है पूर्ण उत्तरदायी सरकार हो, राज्यों को स्वायत्ता दी जाए, ये सारी बातें हुई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी सरकार ने जो गोलमेज, अंग्रेजी सरकार ने जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उन रिपोर्टों पर विचार करने के लिए उन्होंने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन बुलाया, पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस में से भाग नहीं लिया, उसने कहा कि हम उस बात पर क्या विचार करने जाएं जो अंग्रेजों ने बना करके दिया है, और इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, कांग्रेस को मनाया जाता है, कांग्रेस फिर मान जाती है, और गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से कांग्रेस का एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी चाहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए, लेकिन वो जो मांगे रखते हैं उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती, और इस प्रकार से अंग्रेज फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन लेकर के आते हैं। ये सारे जो सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, उसके आधार पर फिर एक लुथियान कमेटी बनी थी जो भारत में जो फ्रेंचाइजी थी, जो भारत में आपका जो मताधिकार था किसको किसको दिया जाए इसको रिकमेंड करने के लिए, तो लुथियान कमेटी की रिपोर्ट आ गई। इसी प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उस पर ऑब्जेक्शन किया था मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जीना ने, 14 सूत्र दिए थे, इन सबको आधार बनाकर एक अधिनियम पारित किया गया 10 अगस्त 1935 को। इस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, पढ़ते हम लोग कि व्हाट वेयर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के क्या प्रावधान थे, आइए हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला जो सवाल परीक्षा में आता है वो ये आता है कि विच डॉक्यूमेंट्स वी आर कंसल्टेड टू फ्रेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, भारत सरकार अधिनियम बनाने में किन किन दस्तावेजों का प्रयोग किया गया। तो यहां पर हम लोग बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, कौन से दस्तावेज थे जिन दस्तावेजों का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के बनाने में किया गया। तो मैं दस्तावेजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहला तो इसमें हो गया कि रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, पहला हो गया रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो पहला हो गया साइमन कमीशन का की रिपोर्ट। नंबर टू हो गया नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के ऑब्जेक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्र आया, तो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। इसके बाद आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके बाद आपका रामसे मैक डोनाल्ड्स अवार्ड, मैक से राम डोनाल्ड की उद्घोषणा, और यहां पे हो गया इसके बाद गांधी जी और आपके अंबेडकर साहब के बीच में हुआ पूना पैक्ट, और इसके बाद में लास्ट में आपका हो गया लुथियान कमेटी की रिपोर्ट। तो लुथियान कमेटी की रिपोर्ट, सुनो, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विच डॉक्यूमेंट्स वर टेकन एज असिस्टेंट टू फ्रेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, भारत सरकार अधिनियम बनाने में 1935 को बनाने में किन किन दस्तावेजों का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहला हो गया कि रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन जो जून 1930 में सबमिट किया गया था।
इसके बाद 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट आ गया, तो यह 1928 का नेहरू रिपोर्ट हो गई। इसी वर्ष में 1928 में जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम आ गया, यह हो गया थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1900 आपको बताना मैं चाहूंगा कि 31 से लेकर के 1932 के बीच में तीन गोल में सम्मेलन हुए, तो यह हो गया आपका। रामसे मैंडुला की घोषणा 1932 में हो गई, यह हो गया। पूना पैक्ट 1932 में हो गया, और उसके बाद लुथियन कमिटी की रिपोर्ट जो है 1932 से लेकर 33 के बीच में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यह कंसल्ट किए गए, और मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यही कारण है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा आधार बना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान थे। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर यह जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आजादी के पहले तक ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट पास किया गया, ये अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है। और हम लोग आज तक इतिहास की बात करें तो दिस इज द सेकंड मोस्ट लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट एवर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट को छोड़ करके अभी तक जितने भी दस्तावेज पारित किए गए हैं यह सबसे बड़ा दस्तावेज है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। इट इज द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत की आजादी के पहले तक पारित किए गए जितने भी अधिनियम हैं उसमें से सबसे लंबा दस्तावेज है। सवाल यह है ये सबसे लंबा क्यों बन गया। तो पहली बात है, देखिए इसमें बहुत सारे नए प्रावधान किए गए, और दूसरी बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो देशों को चलाने के लिए यह प्रावधान किए गए। बर्मा का शासन भी पहले भारत से ही चलता था, लेकिन 1935 के माध्यम से जो बर्मा, जो म्यांमार अब हो चुका है, उस म्यांमार के शासन को चलाने के लिए यहां पे अलग से प्रावधान किए गए। तो यहां पे बताना चाहूंगा कि लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट क्यों बन गया। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार और जो गवर्नमेंट ऑफ आपका उस समय का बर्मा था, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, उनको चलाने के प्रावधान किए गए थे। तो भारत की सरकार को चलाने के लिए जो सेक्शन था उसमें 321 सेक्शन थे और 10 अनुसूचियां शेड्यूल थे। गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को चलाने के लिए जो प्रावधान थे उसमें 159 सेक्शन थे और 6 शेड्यूल या 6 अनुसूचियां थी। यही कारण है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है यह अभी तक का सबसे लंबा दस्तावेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम में जो भारत के लिए प्रावधान किए गए उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसमें किसके किसके किन किन देशों को चलाने के प्रावधान थे, तो बताना चाहूंगा भारत की सरकार को चलाने के प्रावधान और बर्मा को सरकार को चलाने के प्रावधान। भारत की सरकार वाला में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, और बर्मा वाला में 159 अनुच्छेद के साथ में 6 अनुसूचियां थी। अब यहां पे हम लोग बात करें प्रोविजंस या प्रावधान की, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि नंबर एक इसमें प्रावधान किया गया कि भारत जो है, भारत को एक फेडरेशन अर्थात एक परिसंघ घोषित किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि इंडिया शैल बी डिक्लेयर्ड एज ए फेडरेशन, भारत को एक संघ घोषित किया जाएगा। और इस संघ में होगा कौन कौन, तो इस संघ में होंगे ब्रिटिश भारत के 11 वे प्रांत जहां पे गवर्नर का शासन है, 6 वे प्रांत जहां पे कमिश्नरों का शासन है, और बाकी बात नंबर 3 में होंगे नेटिव स्टेट्स देसी राज्य, जिनकी संख्या लगभग उस समय 700 थी। तो 700 देसी राज्य, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ब्रिटिश भारत था वो ब्रिटिश भारत, भारत का लगभग 54% यह जो भाग था, और ये नेटिव स्टेट्स थे यह भारत के लगभग 46% भाग में विद्यमान थे। तो नेटिव स्टेट्स की संख्या लगभग 700 थी, और जो भारत वाला भाग था तो ब्रिटिश भारत का भाग 54% भाग। इसमें 11 प्रांत थे जिसमें गवर्नर का शासन था, 6 प्रांतों में कमिश्नरियों का शासन था। 11 प्रांत में बता दूं कि सबसे पहले अगर आप नीचे से चलो तो पहला हो गया मद्रास प्रांत, इसके बाद आपका हो गया नंबर 2 में
नंबर टू में बॉम्बे हो गया, नंबर तीन में बंगाल हो गया, नंबर चार में बिहार और उड़ीसा, इसको बांट दिया गया था दो भाग में, बिहार अलग और उड़ीसा अलग, तो यहाँ पे ये यह हो गया पांच हो गया, इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया छह, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया 1935 के माध्यम से, जो आज का उत्तर प्रदेश है, इसी प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस हो गया जो मध्य प्रदेश हो गया है, असम हो गया, पंजाब हो गया, तो इस प्रकार के कुल मिलाकर सिंध हो गया, कुल मिलाकर के 11 यहाँ पे वे राज थे जहां पे शासन चलता था आपका किसका, गवर्नर का। बाकी बात छह कमिश्नरियां थी, इसमें दिल्ली था, कूर्ग था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, इसके बाद आपका आपका जो है पिपलौदा स्टेट था, इसी तरह से अंडमान निकोबार थे, तो कुल मिलाकर के छह यहां पर स्टेट थे, छह यहां पे जो है वे राज थे जहां पर कमिश्नर शासन था, तो हो गया कि यहां प्रोविजन कहा गया कि यहां पर कमिश्नर का शासन जो है वो किया जाएगा, कमिश्नर शासन होगा। और बाकी आगे भारत का जो फेडरेशन बनेगा उसमें सारे लोग होंगे, लेकिन बताना चाहूंगा कि राज्यों को यह कह दिया गया कि उनकी इच्छा पर वे शामिल होना चाहें तो शामिल हों, और वह संघ में शामिल ना होना चाहें नहीं शामिल हो, तो राज्यों ने यहां पर संघ में शामिल होने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया, और यही कारण है कि जो फेडरेशन का प्रावधान किया गया था यह फेडरेशन या संघ जो है अब कभी भी प्रभाव में आ नहीं सका। इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया नंबर टू वो यह किया गया कि जो प्रोविंसेस या प्रांत हैं उन प्रांतों में एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, स्वायत्त शासी शासन। मतलब बताना चाहूंगा कि 1919 में जो यह द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, मतलब कि जो शासन थे, शासन के विषय को दो भाग में बांटा गया था, एक पर आपका एक पर जो है भारत के मंत्री जो है वह शासन चलाते थे, वे मंत्री जो गवर्नर के माध्यम से अपॉइंटमेंट पाते थे, लेकिन उनको हटाने का जो दायित्व था वह था आपका वहां की विधानसभा के ऊपर। दूसरे वे विषय होते थे जिस पर शासन वे मंत्री चलाते थे, जिनको अपॉइंटमेंट गवर्नर देते थे, हटाते भी गवर्नर थे, तो कहा गया कि नहीं, अब ऐसी व्यवस्था होगी जहां पे सारे मंत्री जो हैं वह गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट पाएंगे, लेकिन हटाएगी उनको विधानसभा, जब तक विधानसभा का उनके पास रहेगा बहुमत उनको कोई हटा नहीं पाएगा। तो यहां पर कहा गया कि एक स्वायत्त शासी सरकार की स्थापना की जाएगी, तो यहां पर एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट की बात की गई। मतलब कहने मतलब है कि अगर आप सिंपल बात करोगे तो इसका सीधा मतलब था कि डायार्की इन द प्रोविंस वाज इन प्रोविंसेस वाज एबॉलिस्ड। जो प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था थी उस द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति की यहां पे घोषणा कर दी गई, कहा गया प्रांतों में कोई द्वैत शासन यहां पर नहीं रहेगा। नंबर तीन, ये जो सेंट्रल या केंद्र है वहां पे सारे के सारे मंत्रियों को अपॉइंटमेंट देते थे, कौन, तो कार्यकारिणी परिषद के सारे लोग अपॉइंटमेंट पाते थे गवर्नर जनरल से, वायसराय गवर्नर जनरल से, और उनको हटाता कौन था, तो उनको हटाते भी थे वायसराय गवर्नर जनरल। उनकी जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही जो थी वह वास्तव में केंद्रीय विधानसभा या जो भारत की जो संसद थी उसके प्रति नहीं थी, लेकिन 1935 में प्रावधान किया गया कि जो सेंटर है, केंद्र है, केंद्र में अब प्रांतों की तरह जैसे 1919 में लाया गया था, यहां पर ड्यूअल सिस्टम लाया जाएगा या यहां पे लाई जाएगी आपकी डायार्की। कहा गया कि यहां पे हम लोग लाएंगे डायार्की, तो यहां पर कहा गया कि डायार्की या द्वैत शासन व्यवस्था लाई जाएगी। इसका क्या मतलब था, मतलब यह था कि जो केंद्र को विषय मिले हैं उस विषय को दो भाग में बांटा जाएगा, एक होगा आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट मतलब संरक्षित विषय, और दूसरा होगा आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अर्थात हस्तांतरित भाग। जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उन पे उनके जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन देगा, तो भारत का वायसराय। इनको हटाएगा कौन, तो भारत का वायसराय। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे इनको अपॉइंटमेंट कौन देगा, तो भारत का वायसराय, लेकिन उनको हटाएगा कौन, तो जो वहां पर केंद्रीय विधानसभा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, कहा गया कि वहां पर वहां के जो लोग होंगे बहुमत के आधार पर उनको हटा सकते हैं। नंबर चार, जो कानून बनाने के विषय हैं उनको यहां पर
तीन भागों में बांटा गया। एक तो पहला हो गया सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय विषय, जैसे कि आपको करेंसी है, जैसे कि डिफेंस है, इन सबको केंद्रीय सूची में रखा गया। दूसरा हो गया आपका स्टेट लिस्ट या राज्य सूची का विषय, और तीसरा जो हो गया यह हुआ आपका कंकरेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आपको पढ़ाया है उसमें आप देखना, उसमें जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया था, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर यह विषय जो है तीन भागों में बांट दिया गया। विषय कानून बनाने के विषयों को तीन भाग में बांटा गया, सेंट्रल लिस्ट में कुल 59 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में कुल 54 सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट मतलब जिस पर दोनों जो है बना सकते थे, इसमें कुल मिलाकर के 36 जो है वह यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में कुल 36 विषय रखे गए। आगे यह कहा गया कि जैसे कि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, तो यहां पर एक कहा गया कि यहां पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और यह जो संघीय न्यायालय है इसमें कुल 7 जजों का प्रावधान किया गया। यह जो है यही बाद में आपको 26 जनवरी 1950 से भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हो गया। इसकी जो बैठकें होती थी, पहले इसकी बैठक जो है भारत के संसद भवन का जो आपका लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी में चलती थी। लास्ट में आपको इसमें बताना चाहूंगा कि यहां पे यह भी प्रावधान किया गया कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके माध्यम से जो आरबीआई एक्ट है, उस आरबीआई एक्ट जो 1934 में पारित किया गया था, यह कहा गया कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से भारत में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यह थे आपके भारत सरकार अधिनियम 1935। अब मैं यहां पे आपको कुछ बातें बताऊं कि जो 1935 है इसमें क्या क्या किया गया। तो सबसे पहली बात है कि संघ का प्रावधान किया गया था, परिसंघ या फेडरेशन का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह फेडरेशन प्रभाव में नहीं आ सका। उसका सीधा कारण यह है कि जो भारत में जो देसी नरेश थे उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। नंबर टू, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त घोषित कर दिया गया, जो 1919 के माध्यम से लाया गया था, और सीधे से यहां पर एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई। और बताना चाहूंगा कि जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जब बात की गई तो यहां पर बता दूं आपको कि यह प्रावधान किया गया कि अब सीधे सीधे यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे और दूसरा होगा आपका गवर्नर, और जो मंत्री होंगे वो मंत्रियों की पूरे के पूरे मंत्रियों की जवाबदेही जो होगी वो किसके प्रति होगी, तो उनकी जवाबदेही जो होगी वह होगी आपको विधानसभा के प्रति। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 1937 में इसके चुनाव हो गए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। यह 11 प्रांत आपको कौन कौन से थे मैं यहाँ पर आपको बता दूं। तो यह जो 11 प्रांत है प्रोविंसेस इन 1937, तो मैं बताऊं कि यहां पर 11 प्रांत कौन कौन से थे। सबसे पहले तो यहां पर आप देख लो, यह पहले ऊपर से हो गया पंजाब एक, इसी तरीके से आपका इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया उत्तर पश्चिम, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया ये वाला। इसके बाद आपका यह जो भाग था यह सिंध हो गया नंबर 3, यह आपका यह बॉम्बे हो गया नंबर 4, यह हो गया मद्रास नंबर 5, यह सेंट्रल प्रोविंस हो गया नंबर 6, बिहार एंड उड़ीसा हो गया नंबर 7, बाद में बिहार उड़ीसा दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया था, बंगाल हो गया 8, असम हो गया 9, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया 10, और यह आपको यहाँ पर यह पूरे के पूरे 11 राज्य थे। तो यह आपका यहाँ पर एक राज्य कोई छूट रहा है, तो यहाँ पे आपका यह हो गया बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1, और यह हो गया आपका यूनाइटेड प्रोविंस आपका हो गया, तो यह हो गया आपका सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ये हो गया यूनाइटेड प्रोविंस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11 यहाँ पे प्रोविंस या प्रांत थे, इनके चुनाव हुए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कुल मिलाकर के 1585 सीटों पर चुनाव हुआ था, और इस 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त किया।
और कांग्रेस ने 5 राज्यों में अपने बूते पर सरकार बना ली। तो वह कौन कौन से राज्य थे तो बताना चाहूंगा कि वह राज्य था आपका यूनाइटेड प्रोविंस, वह राज्य था आपका यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का उत्तर प्रदेश, तो यहां पे कांग्रेस सरकार बनाई। दूसरा कांग्रेस ने आपका सेंट्रल प्रोविंस में सरकार बनाई अपने दम पे। नंबर 3 उसने मद्रास में सरकार बनाई। नंबर 4 उसने बिहार में सरकार बनाई और उसने उड़ीसा में भी सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उन्होंने 5 राज्यों में सरकार बनाई। बॉम्बे में थोड़ा सा मेजोरिटी उनकी कम हो रही थी तो बॉम्बे में भी उन्होंने सरकार बना ली। नंबर 6 और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में इन्होंने गठजोड़ के माध्यम से सरकार बनाई। तो कांग्रेस ने कुल मिला के 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। बाकी बात जो आपका बंगाल है यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई, जो आपका यहाँ पे पंजाब है यहाँ पे यूनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और जो सिंध है यूनाइटेड पार्टी ऑफ सिंध ने सरकार बनाई। तो कुल मिला के 11 राज्यों में यहाँ पे सरकारें बनाई गई। तो इन सरकारों ने स्वायत्ता के माध्यम से यहाँ पर काम शुरू कर दिया। नंबर 3 आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट आ गया आपका, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो बाद में बन गया आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय उसका नाम रखा गया। मैं बताना चाहूंगा इसकी जो यह जो सर्वोच्च न्यायालय था, यह सर्वोच्च न्यायालय इसका फेडरल कोर्ट कहते थे, इसकी जो अपील होती थी प्रिवी काउंसिल में होती थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद जब हम लोगों ने 1950 के पहले तक हम लोगों ने क्या किया, प्रिवी काउंसिल के इस अधिकार को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भारत का वास्तव में सुप्रीम कोर्ट बन गया। साथ साथ बताना चाहूंगा कि भारत के जो 6 राज्य थे उन 6 राज्यों में जो विधानमंडल था उस विधानमंडल के 2 भाग किए गए, मतलब उसको द्विसदनीय बनाया गया। तो कहां द्विसदनीय बना, तो एक तो यूनाइटेड प्रोविंस में यह द्विसदनीय बन गया आपका। एक तो आपका यूनाइटेड प्रोविंस में द्विसदनीय बना, दूसरा यह बंगाल में द्विसदनीय बनाया गया था, नंबर 3 यह बिहार में बनाया गया था, नंबर 4 यह बॉम्बे में बनाया गया था द्विसदनीय, नंबर 5 यह आपका असम में बनाया गया था द्विसदनीय, और नंबर 6 यह आपका जो है यह मद्रास में इसको यहाँ पर बनाया गया था द्विसदनीय। तो यहाँ पर विधानसभा के साथ विधान परिषद के पहली बार यहाँ पे प्रावधान किए गए। परीक्षा में पूछा जाता कि कौन सा अधिनियम था जिसमें विधानसभा के साथ प्रांत विधानमंडल विधान परिषद के प्रावधान किए गए, तो यह हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। साथ साथ बताना मैं चाहूंगा कि यहाँ पर दलितों को पहली बार यहाँ पर रिजर्व सीटें दी गई। हालांकि बताना चाहूंगा कि यह रिजर्वेशन कुछ अलग प्रकार का रिजर्वेशन था, यह एक सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 की तरह नहीं था। महात्मा गांधी के प्रयासों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जो भारत में दलित लोग हैं उनको रिजर्वेशन तो मिलेगा लेकिन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से नहीं। मतलब यह था कि जो दलित लोग हैं उन दलितों को जो वोट है वो सब लोग करेंगे, दलित सीटों पर दलित लोग ही खड़े होंगे लेकिन वोटिंग उनको जो है वह सभी लोग करेंगे। और उस प्रकार से जो दलित लोग हैं उनको पहली बार यहाँ रिजर्वेशन दिए गए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सीटें आरक्षित की गई। हालांकि 1921 में महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट दे दिया गया था प्रांतों में, कहा गया कि प्रांत चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने वोटिंग राइट दिया, लेकिन महिलाओं को चुनाव में यहाँ पे खड़े होकर उनको रिजर्वेशन के प्रावधान कर दिए गए 1935 के प्रावधान के माध्यम से। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1935 जो है यह बहुत ही विस्तार लिया हुआ अधिनियम था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसको क्रिटिसिज्म किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा दिस हैज नो इंजन बट ऑल ब्रेक्स, इसमें केवल अवरोध है, केवल ब्रेक है, इसमें कोई भी इंजन नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूर्ण तरह से कहा यह पूर्ण तरह से सड़ा हुआ है, पूर्ण तरह से बेकार है। और उस तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 के पोल जल्दी खुल गए। सब 1 सितंबर 1940 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और भारत को लड़ाका देश घोषित कर दिया गया भारत से बिना कोई राय लिए हुए। तो सीधे से जहां जहां कांग्रेस सरकारी थी उन्हें इस्तीफा दे दिया कि आप एक तरफ कहते हो कि हम आपके लिए एक जिम्मेवार सरकार लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप हमसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय ले लिए। इससे जहां जहां कांग्रेस सरकारें चल रही थी उन्हें इस्तीफा दे दिया। और यही कारण है कि जब उन्हें इस्तीफा दिया तो भारत के जो अन्य दल थे वो बहुत ज्यादा इनको लाइक नहीं कर रहे थे कांग्रेस सरकारों को। और यही कारण है कि 22 दिसंबर 1935
39 को मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया, मुक्ति दिवस, और बी आर अम्बेडकर ने इसका मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे साथ दिया। तो कुल मिला जुला करके ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान थे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।